मैंने स्क्रीन में एक बार सुना था कि हुकूक उल इबाद को अल्लाह ताला माफ नहीं करता, वो बंदों से ही माफ कराना पड़ता है। तो जिस तरह से शौहर की बीवी पे, बीवी के शौहर पे हक हुकूक होता है, माँ के माँ बाप के, औलाद पे औलाद के माँ बाप पे, हर एक इंसान के दूसरे इंसान पे, इसी तरह से मुझे ये जानना था कि एक मर्द की अगर एक से ज्यादा बीवियां हैं तो जो आपस में वो सौतन है, एक सौतन के दूसरी सौतन पे क्या हुकूक है? एक सौतन के दूसरी सौतन पर सिर्फ इतना हक है जो एक आम मुसलमान का दूसरे आम मुसलमान पर होता है। एक आम मुसलमान का दूसरे आम मुसलमान पर हक ये है कि उसके साथ हुस्ने सुलूक करे, उससे मिले तो उससे दुआ सलाम करे, उसके कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसको तकलीफ हो, उसको नुकसान हो। ये सारे आम मुसलमानों के जो हुकूक हैं वही हुकूक हैं, बाकी सौतन के कुछ खास हुकूक नहीं है, कुछ भी नहीं।